इतने दिनों में मुझे कभी पता चला कि मैं एक डायरेक्शन में रह करके पढ़ाई नहीं कर पाया। कभी मैंने बैंकिंग की तैयारी की, कभी मैंने एसएससी की तैयारी की, मैंने शुरू से सोच करके नया कि मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए। वो अपने आप पे बहुत पछतावा ही होता है, कहीं ना कहीं मेरे में ही गलती मतलब है। अब पढ़ेगा नहीं तो नौकरी, अब हम ये थोड़े ना बोलेंगे कि मेरे इतने साल हो गए तो इसमें सरकार की दिक्कत है, मेरे में कमी है कुछ ना कुछ। क्या हो रहा है, कोई व्यवस्था है यहाँ पे? किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अभी इलेक्शन है 2020 में तो आप 2000 बहाली दे दिए। हाँ, हमको राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, जो है सो केंद्र पर है, केंद्र जो करेगा राज्य से बेहतर करेगा। आज हम राजधानी पटना के उस इलाके में खड़े हैं जहां पर एक तरफ पवित्र गंगा बहती है तो दूसरी ओर ज्ञान की गंगा बहती है। गंगा के तट पर बसा पटना विश्वविद्यालय है तो सड़क के दूसरे किनारे पर कई सारे प्राइवेट संस्थान हैं जहां पर बच्चे दूर दूर से अपने ख्वाब लेकर पटना आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज हम पटना के अशोक राजपथ पहुंचे हैं। हम खासकर स्टूडेंट से बात करने के लिए निकले हैं कि वो क्या कुछ ख्वाब लेकर पटना आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पूर्णिया जिला से हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अपने मतलब सेल्फ स्टडी है या फिर यहाँ पर? अभी तो सेल्फ स्टडी है, अभी सारा कोचिंग वगैरह हो गया, स्कूल कॉलेज खत्म हो गया है। तो संजय, कितने समय से आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं इंटर के बाद से ही कर रहा हूँ तैयारी। अच्छा, लगभग हाँ 5-6 साल लगभग हो गए हैं। कभी कभी मन करता है कि पढ़ाई बंद करके घर चले जाए, लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचते हैं कि इतने रुपये खर्च हो गए हैं तो और कुछ दिन समय और दे दिया जाए इसके पीछे। वो अपने आप पे बहुत पछतावा ही होता है, कहीं ना कहीं मेरे में ही गलती मतलब है। इतने दिन नहीं लगने चाहिए, मतलब अपने तरफ से अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ये खोज कर नहीं निकाला कि आखिर वो कमी कहाँ पर है, कहाँ पर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि सफलता हाथ लग जाए? अभी तक ऐसा कुछ शॉर्ट आउट नहीं हुआ। हाँ मैम, कमी मुझे पता चला, इतने दिनों में मुझे कमी पता चला कि मैं एक डायरेक्शन में रह करके पढ़ाई नहीं कर पाया। कभी मैंने बैंकिंग की तैयारी की, कभी मैंने एसएससी की तैयारी की, मैंने शुरू से सोच करके नया कि मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सोचा कि सीजीएल करना है, सीजीएल जब ग्रेजुएशन हो गया तो उसके बाद एक दो एग्ज़ाम दिए, फिर नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि जल्दी करने के लिए, जल्दी जॉब मतलब करने के चक्कर में फिर मैंने बैंकिंग चुना। फिर बैंकिंग मैंने बैंकिंग की तैयारी भी अच्छे से की, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाया। अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा लास्ट साल है, ये 5 से 6 महीने में मेरा रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। पहले मैं इतना मतलब अपने मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया है कि मुझे नौकरी लगेगी। बिल्कुल, मैं रेगुलर चाय की दुकान पे आता हूँ। चाय का क्या महत्व है यहाँ पर? मतलब चाय मैं इसलिए आता हूँ, अभी मैं जैसे कि लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ हूँ, मतलब पढ़ाई करते करते उब जाता हूँ, तो मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए मतलब लाइब्रेरी में तो एक बहुत लंबा वक्त देना पड़ता है, 5 से 6 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, तो 2-3 घंटे के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए मैं चाय पीने के लिए चला आता हूँ यहाँ पे। नवनीत कुमार, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। और यहाँ पर खास कर पढ़ाई करते जी? हाँ, वो बीपीएससी प्रिपरेशन है मेरा। कितने साल हो गए थे? 1.5 साल हो गए हैं। हाँ, तो क्या लगता है आपने एक भी बार अटेम्प्ट किया बीपीएससी? नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा। इस कारण अटेम्प्ट मैंने नहीं कर पाया है, लेकिन ये पार्ट टू में मैं इस बार गया हूँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, तो अभी पीटी का तैयारी कर रहा हूँ। माहौल की मतलब आप यहाँ पर आए हैं, आपका आना सफल हो पाएगा? माहौल यहाँ खुद पे भी डिपेंड है पर, लेकिन राजधानी के नाते, एक बिहार की राजधानी के नाते पटना का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। उसका यहाँ पढ़ाई का भी माहौल बहुत अच्छा है, बस स्टूडेंट अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो और उसके बाद सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर इलाके में तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई जी। हाँ, ये अशोक राजपथ तो इंस्टीट्यूट से ही भरा पड़ा है। हम मुरलीगंज से हैं, मधेपुरा जिला में पढ़ते हैं। नाम क्या? आदित्य कुमार। तो आदित्य, यहाँ पर क्या सपना लेकर आए हैं? सपना तो एक ही लेकर के आए हैं, बीपीएससी का लेकर के आए हैं, और हम एक ही टारगेट है कि बीपीएससी पास करके प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं। क्यों प्रशासनिक सेवा में आकर बीपीएससी क्यों? प्रशासनिक हमको समाज सेवा करने का एक यही जरिया अच्छा लग रहा है। अच्छा,
चाय की दुकान पर हमेशा आते हैं? हमेशा आते हैं, यहीं बगल में ही क्लास है और यहाँ आकर के क्लास से निकलते हैं तो रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं क्लास में। तो आप, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो? नहीं, ग्रेजुएशन पूरा नहीं, अभी BA पार्ट 1 में। आपने तैयारी शुरू कर दी है? ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद कितना दिन आप खुद को समय देंगे कि आप इतने अटेम्प्ट में BPSC निकाल लें? आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही BPSC निकाल लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर? जोश है और पढ़ाई भी मेहनत के साथ कर रहे हैं इसी कारण। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नाम क्या है? प्रभात कुमार सिंह। कहाँ से आए? गोपालगंज से। गोपालगंज से यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 6 साल से हैं। तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट किए पटना यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अपना कमीशन का तैयारी करते हैं। अच्छा, तो 6 सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, फिर मिला जुला हर चीज़ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, केवल कमीशन PG किए, PG मेरा 16 में कम्प्लीट। 3 साल से हो रहा है। सबसे ज्यादा स्थिति सरकार स्तर से है, सरकार जो है समय पर वैकेंसी नहीं दे रही है, वैकेंसी आ रहा है तो उसमें धांधली है सबसे ज़्यादा, इन्हीं सब वजह से आदमी उलझ गया है, कोई प्रोसेस भी सही ढंग से नहीं है। आरक्षण तो जिम्मेवार ही है। आरक्षण में देखिए, इसमें है क्या कि जो लोग आरक्षण ले लिए हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि हम दलित हैं, बहुत हम गरीब हैं, तो 30 लाख के गाड़ी से चलेंगे, बोलेंगे कि मुझे आरक्षण चाहिए। आप कहाँ से? हम तो UP से हैं, गोरखपुर से। आप दूसरे राज्य से यहाँ पर? जी। वहाँ का देखिए, हम यहाँ पे आए थे 2014 में एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो एयरफोर्स के लिए एज कम चाहिए। जब हम आए थे तो मेरा उस समय 74% था, जब हम 2014 में आए थे पटना में तो मेरा अभी एज हुआ नहीं था, तो फिर मेरा एज खत्म भी, एज भी था और फॉर्म भी नहीं भर पाए, फिर अभी इधर आना भी शुरू हुआ तो एज खत्म हो गया, फिर हम लग गए SSC में, अभी SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, समय बीता जा रहा है, तैयारी चल रही है बस उसी में। अभी हम डिफेंस में भी लगे हुए हैं, जैसे सोच रहे हैं अभी दरोगा वरोगा का आया इसमें चले जाएं, फिर SSC है तो SSC में लिए, तभी तो कंपटीशन है। देखिए, पढ़ाई का पटना में बहुत अच्छा माहौल है मेरी नज़र से, और अगर लड़के कोई कहे कि नौकरी नहीं होती है तो इसमें सरकार की दिक्कत है, तो हम 100% बोलते हैं उसमें लड़की की दिक्कत है, क्योंकि लड़का पढ़ता नहीं है। अब पढ़ेगा नहीं तो नौकरी, अब हम इतने ना बोलेंगे कि मेरे इतने साल हो गए तो इसमें सरकार की दिक्कत है, मेरे में कमी है कुछ ना कुछ। सबसे बड़ी दिक्कत है जो लड़कियों को इतना आरक्षण दिया जा रहा है फोर्स में, हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी यहाँ से हैं, लड़कियों का किसी ऑफिशियल चीज़ में भेजिए, फोर्स में इतना भेजने की क्या ज़रूरत है आरक्षण? इतने लड़के पढ़े हुए हैं, इतने तैयारी कर रहे हैं सब, लड़कों कोई जा ही नहीं रहा। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो नहीं नहीं, हम मेरे कहने का मतलब है कि इतना आपको आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है, लड़कों जो हैं उनको पहले भेजिए, फिर बाद में लड़कियों को भेजिए, लड़कियों को कहीं और दीजिए, हमें नहीं बोलना है कि लड़कों को मत दीजिए, लड़कियों को मत दीजिए, लड़कियों को दीजिए किसी और सेक्टर में दीजिए, पहले तो लड़कों को जाना चाहिए ना, लड़के बहुत पढ़े हुए हैं सब। हाँ, और क्या, और क्या, मैंने नहीं, लड़की को ऐसा दे जो जॉब करने में उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मेरे कहने का मतलब। लड़की खुद चाहे कि हम उसमें जाएं। हाँ, लड़की जाना चाहती है ना, वही जाना चाहती है, बहुत कम परसेंट जो जाना चाहती है फिर चली जाती है, उतना अपना आरक्षण में घुस जाती हैं सब, दिक्कत तो है ना लड़कियों को, वैसे हम लोग को भी दिक्कत होता है। बेगूसराय के? बेगूसराय के। नाम क्या हुआ? कुमार विक्रम। यहाँ पर तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? नहीं, तैयारी पहले करते थे, फिलहाल नहीं करता हूँ, फिलहाल जॉब करते हैं रांची में, तो अभी दोस्त लोग से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, आप दोस्त लोग से मिलने? हाँ। तो आपकी तैयारी हो गई, आपकी नौकरी भी, काम भी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है पिछले समय से? नहीं, जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई है, प्राइवेट में जॉब करते हैं। ठीक है, कि सरकारी नौकरी करें? हाँ, चाह तो है, आफ्टर ऑल मैंने दरोगा का तैयारी भी किया था और बैडली मेरा तैयारी जारी है, फिर छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई तो थोड़ा बहुत करते हैं क्योंकि वो शौक है, ठीक है, लेकिन फिलहाल फोकस बस जॉब पे है, अपना वर्क पे। मैं मास मीडिया का स्टूडेंट हूँ पटना कॉलेज से, मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर। नहीं नहीं, मैं प्रॉपर मुजफ्फरपुर का हूँ, बट मेरा 12th तक का स्टडी कोलकाता से हुआ है, बट चूंकि यहाँ पे मास मीडिया का स्टडी अच्छा था और हाँ बिल्कुल, एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट आल्सो। ओके, तो आपको, आप
क्या मन में आया जो आपने ये फील्ड चुना है? नहीं, मेरा तो सबसे पहला था कि अपने आप को खबरों से मैं जुड़ा पाता था और हर मुद्दों पर राय रखना पसंद करता था। ऐसा कुछ नहीं है कि समाज का आवाज़, बिल्कुल समाज का आवाज़ उठाना हमारा एक बहुत मतलब प्रायोरिटी है, बट उसके अलावा भी खबरों से जुड़ा रहना हमें मतलब कहीं ना कहीं एक उस फील्ड की ओर लेके जाता है। आपको क्या लगता है कि बिहार में आपको पत्रकारिता में वो एक्सपोजर मिलेगा? लोग देखिए, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ कि हर कोई यही मन में लेकर किसी भी फील्ड में कूदता है कि हम लोग एकदम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या लगता है, वो सारी चीज़ें अभी तक जिंदा है? नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप नहीं पता, बट जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं पटना कॉलेज के, वो काफ़ी सक्षम है पढ़ाने के लिए और एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है आज भी कॉलेज की तरफ से भी। हमें मतलब डिफरेंट इवेंट्स और प्रोग्राम्स में लेके जाया जाता है जहाँ हम अपने राय रखते हैं, डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि दिल्ली अगर दूर है तो पटना उतना दूर नहीं है, और अगर आप दिल्ली में रह के अगर मीडिया में जाएंगे और बिहार में रह के अगर आप दिल्ली का रास्ता तय करेंगे तो वो ज़्यादा एक सफलता और एक श्रेष्ठता का बात कहीं ना कहीं रखेगा। और यही कारण है कि बंगाल में चूंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं थे बैचलर्स के लिए, थे तो मतलब मास्टर्स के लिए थे, बट उसके पहले बैचलर्स करना था। नहीं, कोई नहीं है। तो आपने कैसे मतलब सोचा, मन में कैसे आया कि ज़्यादातर हम लोग भी बिहार में सोचते हैं कि सरकारी नौकरी करें भैया अफसर? नहीं, मेरा सरकारी नौकरी कभी पक्षधार नहीं रहा है। मैंने कहा मतलब खबरों से हमेशा से जुड़ा पाता था और कहीं ना कहीं उस कतार में बैठे व्यक्ति का आवाज़ बनना चाहता था, तो यही कारण था पत्रकारिता को चुनना और पत्रकारिता एज अ प्रोफेशन चुनना। और बिहार तो बहुत पीछे है अभी, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्शन आया तो बहाली दे दिया 2000 दरोगा का। पिछला बार दरोगा में इतना चोर बाजारी हुआ, इसके हम लोग मारे हुए हैं, केस किए थे, केस का कोई स्टूडेंट को फायदा नहीं मिला। स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पे रोड पे घिसटा पिटा जा रहा है, सारे लोग दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है, कोई व्यवस्था है यहाँ पे? किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अभी इलेक्शन है 2020 में तो आप 2000 बहाली दे दिए, और कहाँ है सरकारी? तो 4 साल से बैठी हुई है बिहार सरकार, उसमें भी धांधली होगा। उसमें भी अभी जो वैकेंसी है उसमें भी धांधली होगी, जैसे पिछले बार के जैसे। किस सलाह, किस सरकार को हम सलाह दें? सब सरकार तो चोरी है, किस सरकार को? आप जो है अपनी जगह पर है, अगर आपको वो फैसला लेने को दिया जाए तो आप क्या करेंगे? फैसला ये करेंगे, स्टूडेंट के हित में फैसला करेंगे, हर साल अपना नया वैकेंसी देंगे, स्टूडेंट को रोजगार देंगे। बेरोजगार देखिए यहाँ पे कितने बेरोजगार लोग बैठे हुए जो खड़े को सुन रहे हैं, अब उसी से पता चल रहा है कितना बेरोजगारी है बिहार में। हाँ, ये भी है कि लोग काफी समय तक यहाँ पर तैयारियाँ करते हैं, 5 साल 6 साल बीत जाते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा कि टीचर कौन है स्टूडेंट कौन है। ये बिल्कुल व्यंग नहीं है, ये सत्य है। मैं भी नहीं, काफी समय से मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये भी एक तरह से असफलता ही है हमारी कि इतने लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे हैं। अब कमी चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये कमी तो है। सर, आप कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से। यस। ओके, यहाँ पर तैयारी करने के लिए? यस, मेडिकल कर, मेडिकल। तो आप कहाँ पर मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, रनिंग। कितने साल हो गए? 3 इयर्स हो गए। ये अपने पे डिपेंड करता है, लेकिन जो देखा जाए कि टीचर का फोकस जिस पे देखा जाए, टीचर उतना करते नहीं हैं, वो होते हैं कि आधे पे भी अपने दम तोड़ देते हैं तो बच्चा अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसे हम प्रिफर करेंगे कोटा को। प्रॉब्लम बात यह कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है ना वहाँ पे, जैसे फी का बहुत ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे इसीलिए आदमी इतना दूर भी पड़ता है। प्रॉब्लम वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप अपने ओर 100% दे रहे हैं? हाँ, देते तो हूँ, इससे हमको फील होता है, लेकिन हर आदमी सोचता है कि हम 100% दे, लेकिन नहीं दे पाता है। वो कैलकुलेशन क्या है कि आप कितने सालों में मार्क्स पाओगे? हर इंसान अपने मन में ये नहीं कह सकता कि कौन कितने साल में पहुँच सकते हैं। मैटर करता है कि वो उस वक्त उसका किस तरह से होता है, मेंटलिटी कैसे रहते हैं, वह फिजिकली कैसे रहते हैं, या बॉडी के लेवल पे वो कैसे हैं क्या नहीं, हर चीज़ मैटर करता है उनका। सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करता है कि पढ़ाई का अच्छा कितना मैटर करता है, माहौल अच्छा नहीं है तो। प्रेम सिंह, बक्सर से, यहीं बिहार। जून 2015 में आए थे, उस समय ग्रेजुएशन नहीं पूरा हुआ था, लेकिन ग्रेजुएशन अब मतलब इधर मतलब समझिए 2017 से पूरा हो गया है, तब से लग। बैंकिंग।
क्योंकि बिहार सरकार को तो आप देख रही हैं, यहाँ जॉब जो आता है सारे वैकेंसी में धांधली होता है। अब आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि इधर हाल फिलहाल आया था इसका सचिव, क्या बोलते हैं, बिहार विधानसभा का, करीब 300 सीट था। समझिए कि सारे अंदर के इन लोगों को लेना था, सिर्फ दिखावा के लिए था कि बच्चों को दिया जा रहा है। कोई बाहरी बच्चा का कोई आकर हमको बोल दे कि भैया मेरा हुआ है, जो अंदर काम करता था उन्हीं लोग को करना था। सब धांधली आप दरोगा में देख ही रही हैं हर चीज़ में। कभी सोचा कि बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसा कभी मन में आया? नहीं, हम बैंकिंग का करते हैं। आपका रीजन यही था कि बिहार सरकार? हमको यही रीजन था कि जो जितना जल्दी हमको जॉब दे दे, कहीं के मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। बिहार सरकार जो है हाँ बिल्कुल करती है, यही रीजन है कि आप बैंकिंग सेक्टर? हाँ, हमको राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, जो है सो केंद्र पर है, केंद्र जो करेगा राज्य से बेहतर करेगा, इसलिए राज्य सरकार पर नहीं है। बीपीएससी अभी सही है, लेकिन हो सकता है उसमें भी आ जाए, कौन ठीक है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूर्णिया से हूँ। जी, पढ़ाई करने के लिए बस मेरा मेडिकल की तैयारी है। मैं इस बार टारगेट में हूँ, 2 साल हो गए हैं। क्या लगता है, यहाँ का माहौल सही है मेडिकल की तैयारी? नहीं, यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है और पढ़ने का ही माहौल ठीक है। क्या नाम हुआ? राकेश। कहाँ से आए? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। कितना समय हो गया राकेश पटना आए हुए? 2 महीने। अभी 2 महीने ही हुए, तो क्या अंतर लग रहा है अपने होम टाउन और यहाँ पर, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल यहाँ पढ़ाई का अच्छा है। पढ़ाई का अच्छा माहौल? आप तो नए नए हैं, तो पापा ने कुछ तो बोलकर भेजा होगा आपको, जाओ बेटा कुछ अच्छा करके, क्या? हाँ, यहाँ इंस्टीट्यूट अच्छी है पढ़ाई के लिए, क्लास व्लास करना है फिर। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बैंकिंग। तो क्या लगता है कि कितने समय में हो जाएगा? पता नहीं, अभी तो एग्ज़ाम है, आगे बाद ही पता चलेगा, अभी तैयारी चल रही है। चंदन कुमार। कहाँ से आए? हम छपरा से। छपरा से। कितना समय हो गया पटना में आए? लगभग हो गया 6 महीना। 6 महीना हो गया, तो क्या खुद में कुछ बदलाव लग रहा है यहाँ आने के बाद? हाँ, अब थोड़ा स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, क्या कुछ सीखे यहाँ? हाँ, बहुत कुछ बदलाव आया है, जैसे रहन रहा, पढ़ाई कर कैसे रहा सकता है, कैसे पढ़ा जाता है, रूटीन, पढ़ाई के रूटीन में बहुत सारे चीज़ें। जो तैयारी कर रहे हैं हम डिफेंस के, डिफेंस एयरफोर्स नेवी एनडीए का। इतने दिनों में मुझे कभी पता चला कि मैं एक डायरेक्शन में रह करके पढ़ाई नहीं कर पाया। कभी मैंने बैंकिंग की तैयारी की, कभी मैंने एसएससी की तैयारी की, मैंने शुरू से सोच करके नया कि मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए। वो अपने आप पे बहुत पछतावा ही होता है, कहीं ना कहीं मेरे में ही गलती मतलब है। अब पढ़ेगा नहीं तो नौकरी, अब हम इतने ना बोलेंगे कि मेरे इतने साल हो गए तो इसमें सरकार की दिक्कत है, मेरे में कमी है कुछ ना कुछ। क्या हो रहा है, कोई व्यवस्था है यहाँ पे? किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अभी इलेक्शन है 2020 में, तो आप 2000 बहाली दे दिए। हाँ, हमको राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, जो है सो केंद्र पर है, केंद्र जो करेगा राज्य से बेहतर करेगा। अपने विद्यार्थियों ने क्या कहा, हम तो बस ऐसे ही अपना कैमरा और माइक उठाकर निकले थे उनका हालचाल जानने के लिए, लेकिन यहां आकर कई सारे मुद्दे सामने आए। कई विद्यार्थी सरकार और व्यवस्था से परेशान हैं, तो कई सारे बेरोजगारी से परेशान हैं। आगे हम इनसे और सारी बातचीत करेंगे और टफ मुद्दों को लेकर हम सामने आएंगे, और आप देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।